आंध्र प्रदेश में बीते दिनों से ऊंचे पहुंचे लाल मिर्च के दामों ने चीन की मांग सीमित कर दी है। दरअसल चीन लाल मिर्च का बड़ा आयातक है। आंध्र प्रदेश में ऊंची कीमतों के बाद चीन के आयातकों ने फिलहाल सौदे रोक दिए हैं। आने वाले दिनों में चीन में भी मिर्च की नई फसल आ जाएगी। ऐसे में चीनी आयातक दामों में नरमी के इंतजार में भारतीय माल के सौदे रोक रहे हैं। बीते दिनों आंध्र प्रदेश में मिर्च की फसल खराब हुई थी, इसके बाद बारिश भी हुई, इससे आंध्र प्रदेश की मंडियों में आवक कमजोर पड़ी है, लेकिन फिर भी वहां दाम स्थिर हो गए हैं। निर्यात मांग के अटकने को इसकी वजह माना जा रहा है। इंदौर छावनी मंडी में लाल मिर्च की आवक कमजोर है। कारोबारियों के अनुसार बारिश के कारण आवक कमजोर है, लेकिन मांग भी मामूली होने से दामों में स्थिरता है। आने वाले दिनों में अगर आवक बढ़ती है तब दामों में गिरावट हो सकती है। वैसे देखा जाए तो दिसंबर अंत के दामों में मुकाबले मिर्च के भाव कमजोर तो पड़े हैं। बेस्ट क्वालिटी का तैयार माल इंदौर मंडी में 11,500 से 12,500 रुपये क्विंटल बिका है। दिसंबर आखिर के मुकाबले कीमतों में 1,000 रुपये की नरमी है। डंडी कट तैयार माल में भी इतनी नरमी है और दाम 13,000 से 14,000 रुपये बेस्ट माल के दाम है। सेकेंड क्वालिटी लाल मिर्च के दाम 7,500 से 9,000 रुपये क्विंटल। आगे बाजार में बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। लाल मिर्च कुड़वा 5,000 से 6,000, कुड़वा डंडी कट 5,500 से 6,500, लाल माल 7,500 से 9,000, फर्स्ट लाल 11,500 से 12,500, डंडी कट फर्स्ट माल 13,000 से 14,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।